चलिए चलते हैं कुछ मी के मॉड्स की तरफ अगर आप मी के यूज़र हैं मी 12 Miui मी Miui 13 पॉइंट फाइव मी थर्टीन कुछ भी इनमें से यूज़ कर रहे हैं और आपको अपने डिवाइस को कस्टमाइज़ करना है कुछ मॉड्स को इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो में आपके साथ मैं तीन मॉड शेयर करूँगा जो आप अपने मी के डिवाइस में ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए लेट मी टेल यू वन थिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ मीव आई ट्वेल्व इस टाइम पे और मीवो ए ट्वेल्व क्यों यूज़ कर रहा करूँ मैं बिकॉज आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि ये जो मॉड्यूल्स हैं वो मीवो ए टोल्व में भी काम करते हैं बट मेक श्योर योर एंड्रॉइड वर्जन इज एट लीस्ट एलेवन अगर आप एंड्रॉइड एलेवन यूज़ कर रहे हैं तो आप इन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं द फर्स्ट मॉड्यूल इस जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं यूज़ कर करूँ मीवो आई ट्व लेकिन मेरे पास यहाँ पर मीवो थर्टीन के जो विजिट्स हैं वो अवेलेबल हैं जिन्हें हम अपने डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी एज ऑलवेज ऑल द गाइड्सो डेवलपर्स जितने भी यहाँ पर विजिट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं आप इनमें से किसी भी विजिट को ट्राई आउट कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन में प्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डेट मी ट्राई आउट दिस विजिट फ्राम सिक्योरिटी ऐप हमारे पास यहाँ पर जो ऑलमोस्ट सभी विजिट्स हैं वो अवेलेबल ही हो क्योंकि चाइनीज़ में है ऑफकोर्स चाइना की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है मैं आपको गिटेप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आपने आप वर्जन के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू हैव द प्रॉपर बैकअप क्योंकि अगर आपको बूट लुक देखने को मिले तो आप उस चीज़ को रिकवर कर पाएँ आदम यूजिंग इट इन रेडमी नोट एट और रेडमी नोट एट में मी ओ आई काफ़ी ज़्यादा स्लो है और काफ़ी ओल्ड अपडेट है तो इसलिए अगर आपको कोई लैग्स वगैरह देखने को मिले तो सिंपली इग्नोर दैट हम चलते हैं यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ चलते हैं सेटिंग्स में यानी कि होम स्क्रीन की सेटिंग यानी कि डिफ़ॉल्ट लॉन्चर की सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस कर पाएंगे तो एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको मी वाई में रनिंग एंड्रोड इलेवन में स्पेशली इस तरह मी वो में आपको देखने को नहीं मिलता लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और ये आपको नए मी वाई लॉन्चर के अपडेट में बाई डिफ़ॉल्ट भी देखने को मिल जाता है तो आप इसे चाहें तो यूज़ ज़रूर कर सकते हैं उसके अलावा जब हम चलते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन की लेआउट में तो फोर इंटू सिक्स से लेकर सेवन इंटू एट तक हमारे पास जो होम स्क्रीन के लेआउट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं तो अगर आप इनमें से किसी और चीज़ को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप उसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ है तो इट वाज अबाउट द फर्स्ट मोड सेकंड मोड जो हमारे लिए इसमें अवेलेबल है दैट इज़ आई वॉल्यूम पैनल और आई एस का एक्सपेंडेड वॉल्यूम पैनल है एक्चुअली तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें कोर्स मैं से यूज करूँ मीवो ट्वेल्ल रनिंग एंड्रॉइड इलेवन में ये मीवाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव में भी काम करेगा मोस्ट लाइकली मीवो थर्टीन में काम कर सकता है लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट जो पहला मॉड्यूल जिसके बारे में हमने बात करी थी विजिट्स और लॉन्चर की वो मीवोई थर्टीन में काम करेंगे लेकिन ये जो मॉड्यूल है वॉल्यूम पैनल का मीवो ट्वेल्व और मीओ ट्वेल्व पॉइंट फाइव में काम करेगा मीवो थर्टीन में आई एम नॉट श्योर आप ट्राय आउट कर सकते अगर काम करें तो एट्सक्यूट ना करें तो आप इसका बैकअप जरूर ले लीजिए ताकि मॉड्यूल आप अनस्टॉल कर पाएँ उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के रिलेटेड मॉड्यूल अवेलेबल हैं ये तीनों मॉड्यूल्स डेली लाइफ में आपके काफ़ी काम आने वाले हैं ये क्या करेगा आपका जब अभी भी कोई स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसका जो डिवाइस का फ्रेम है वो इसमें ऐड हो जाएगा और ऑलमोस्ट सभी शॉमें के डिवाइसेस इसमें अवेलेबल है आई मीन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इसमें अवेलेबल है इसके अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहे इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं विद ऑल द लिंक्स आप उसे भी कर सकते हैं अब अगर हम बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन के बारे में तो काफ़ी सिंपल है अगर मैं चलता हूँ एक बार फिर से स्क्रीनशॉट की तरफ एड डिवाइस फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिवाइस फ्रेम को एक्चुअली में डाउनलोड करेगा जब डाउनलोड कर लेगा देन यू आर गुड टू गो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ हम इसे बोल सकते हैं चलते तो मैं यहाँ पर गैलरी में आप देख सकते हैं डिवाइस के अंदर डिवाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा तो ये सब मॉड्स आपको देखने में मिलते हैं जिसको आपको अपने न्यू डिवाइस में जरूर ट्राई आउट करना चाहिए अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो हम चलते हैं यहाँ पर मैजिस्क वाले ऑप्शन में किन मॉड्यूल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन मॉड्यूल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा था ऑफकोर्स आई का वॉल्यूम पैनल मी वाई थर्टीन विजेट्स इनेबल एंड मी वाई गैलरी विद फ्रेम शॉमी यू वर्जन ये तीनों मॉड्यूल्स के जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और तीनों के डिस्क्रिप तीनों के जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कैसे काम करेगा क्या ये चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आई वॉल्यूम वालीम पैनल मीव थर्टी विजेट्स इनेबलर और मी वाई गैलरी जिसमें आपको फ्रेम देखने में लगा जिसको हमने लास्ट टाइम अभी यूज़ किया बस ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसी यही सब था आज के इस वीडियो में मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जैनल पर सब्सक्राइब करना मत बोलना I'll see you in the next video. Goodbye.